राम कम ऑन स्पाइक्स पहनो जल्दी। मैं बिना स्पाइक्स के भागूंगा सर, मुझे नहीं चाहिए। ऐसे भागना सेफ नहीं है, मेरी बात मानो। मेरे पास अपने स्पाइक्स हैं। ठीक है तो वही पहन लो। अभी मैंने खरीदे नहीं है शोरूम में। ये हंस क्यों रही है? ए राम, तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? वो स्पाइस खरीदे बिना तुम्हारी कैसे हो गई? हाँ वो मेरे अंदर की फीलिंग है सर, खरीदने से नहीं आएगी और आएगी तो जाएगी नहीं। राम मेरी बात मानो और ये पहन लो। राम हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी पहनो। अरे बोला ना सर, नहीं पहनूंगा। मेरी बात सुनो। ए राम, यहाँ हर यूनिवर्सिटी से प्लेयर आए हुए हैं। द कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी टफ। All participants, get ready for the race. On your mark. चल राम, concentrate कर। से दे दो ना। ठीक है, स्पाइक्स होते तो और फास्ट भागता। अरे तू तो बिना स्पाइक्स के इतना तेज भागा यार। ये क्या? इसने कहा देने को। अरे नाम तो बताते जाओ, ये एन का क्या मतलब है? देख तो, पैर में कितनी चोट लगी है। शूज पहनकर नहीं भाग सकता था? मुझे दर्द नहीं हो रहा माँ। बुद्धू कहीं का। एक बार जीत कर देखो, सारे दर्द भूल जाओगी। ऐसा? मैं जानती हूँ। कैसे? तुम कभी जीती हो माँ? जब तू पैदा हुआ मैं जीत गई। वो नरक जैसा था। जब तू पैदा नहीं हुआ था मुझे लगा मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुझे देखते ही मैं सब कुछ भूल गई। इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है? माँ ये लो, इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है ना? मुझे पता था कि तू मेडल जरूर लाएगा। अगली बार मुझे नेशनल मेडल चाहिए। क्या माँ, हमेशा खीर बनाती हो, बादाम का हलवा क्यों नहीं? तू नेशनल मेडल जीत कर ला, मैं बादाम का हलवा बना दूंगी। ओके लेखा। माँ आज बुरखे में एक लड़की को देखा, उसकी आंखें एकदम ट्रैफिक सिग्नल की तरह थी, उन्हें देखते ही रुक गया। तू एक लड़की को देखकर रुक गया था? कौन है वो? सिर्फ उसे देखा ही है माँ, बस। वहां पर सब लोग मेरी जीत की खुशियां मना रहे थे, पर सिर्फ वही थी जिसे मेरे पैरों की चोट नजर आई। क्या तुझे प्यार हो गया है? क्या माँ, पीछे पड़ जाती हो तुम, इसलिए तुम्हें कुछ बताता नहीं हूँ। वो सभी लोगों में सबसे तेज भाग रहा था, उसे भागते हुए चोट का दर्द महसूस नहीं हुआ, इसीलिए तो वो जीता। राजा राम तो हिंदू नाम है ना?
हाँ वो हिंदू ही है। ओ अच्छा, मुझे लगा वो एक भला इंसान है। मैंने उससे बात नहीं की, तू करेगी क्या? मैं क्यों करूं? छोटे बच्चों की तरह वो जूतों की वजह से रो रहा था। ओ, कॉलेज की सारी लड़कियां उसे देखती हैं, लेकिन वो किसी को नहीं देखता। अच्छा, वैसे तुम भी तो किसी लड़के को नहीं देखती। उसने जूते क्यों नहीं खरीदे? उसके पास पैसे नहीं होंगे। उसके पिता क्या करते हैं? पिता नहीं है, सिर्फ माँ है, म्यूजिक टीचर है, मिसेस पार्वती। सलाम। नमस्ते। जरा रुको, तुम कौन हो बेटा? मैं आपसे संगीत सीखना चाहती हूँ। आओ यहाँ बैठो। तुम्हारा नाम क्या है? खानू। इतना हिचकिचा क्यों रही हो? मैं मुस्लिम हूँ ना, मुझे लगा आप मना कर देंगी। ऐसी बात नहीं है, संगीत के लिए सिर्फ दिल चाहिए, धर्म नहीं। गाना गाओगी? तो गाओ, मैं दिल से तुम्हारी आवाज सुनूंगी। बहुत सुंदर गाया। मैं यहाँ सीखने आ सकती हूँ? कब से आना चाहोगी? मैं तो सिर्फ शाम को ही आ सकती हूँ, सुबह कॉलेज होता है ना। ये क्या है? सरस्वती के ज्ञान को बेचना पड़े, अभी वैसे दिन नहीं आए हैं। ज्योति, क्या है? तुम्हारी गाड़ी कितनी अच्छी है, एक राउंड दो ना। मैंने सुना है तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती। क्यों, चला कर दिखाऊं क्या? सीनू के पास भी तो बाइक है, उसी से ले लो, लोफर कहीं का। अरे अरे भाई, ये लड़कियां शरीफ लड़कों को भाव क्यों नहीं देती? ए, तूने कभी किसी लड़की की आंखों में देखा? आंखों तक तो मैं कभी पहुंचा ही नहीं, मतलब जब पहुंच जाएगी तब देख लूंगा। तू नहीं सुधरेगा, चल एक लड़की को ढूंढना है। कहाँ मिलेगी यार? तू एक लड़की को ढूंढ रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अरे तुझे क्या, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा। अरे शह, माँ के बाद पहली बार कोई लड़की इतनी अच्छी लगी है। वो मुस्लिम लड़की है, बुरके में लिपटा हुआ गुलदस्ता लगती है। जब से देखा हूं दीवाना हो गया हूं, समझ नहीं आ रहा क्या हो गया। बस ऐसा लगता है कि अगर वो ना मिली तो मर ही जाऊंगा। भाई ऐसे मरने को ही प्यार कहते हैं, तुझे प्यार हो गया? अरे शक तो मुझे भी है, पर पता नहीं क्यों यकीन नहीं हो रहा है। यकीन नहीं हो रहा है मतलब अभी भी कंफ्यूज्ड है? यार ये सारे कमरे खाली क्यों? लगता है आज संडे है। आज कोई लेक्चर नहीं है क्या? राम जरा यहाँ ना। आया सर। नमस्ते। डियर फ्रेंड्स,
और स्टेट एथलेटिक्स चैंपियन राजा राम। अब हमारे प्रिंसिपल सर राजा राम का सम्मान करेंगे। थैंक यू सर। हमारे कॉलेज में लेक्चर देने वाले टीचर्स के पास आवाज होती है, मेरे जैसे पीटी टीचर के पास बजाने के लिए विसल होती है। कुछ लोग ढंग की सैलरी तो दूर, दूसरों को इज्जत भी नहीं देना चाहते। आप लोग क्लासरूम में रहते हैं, हम लोग ग्राउंड में रहते हैं, लेकिन हमें कम मत समझना सर। आपके क्लासरूम में पंखा होता है, टेबल होती है, किताबें होती हैं, बोर्ड होता है, पर प्लेग्राउंड में सिर्फ एक चीज होती है, राष्ट्रीय झंडा, द नेशनल फ्लैग। डर था कि पता नहीं रिटायर होने से पहले यह मौका मिलेगा या नहीं। मुझे तो हर महीने की सैलरी गिनने में भी शर्माती थी, लेकिन ये मेरा स्टूडेंट राजा राम, इसने मुझे सफल बनाया। इसने मुझे बताया कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, लेकिन इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इसने मुझे जज्बा दिया, मुझे एक आवाज दी। थैंक यू। क्या हुआ काका? ऑटोग्राफ मिलेगा क्या बाबू? सिग्नेचर तो हर इंसान कर सकता है, लेकिन ऑटोग्राफ हर कोई नहीं दे सकता। कोई बेवकूफ जो 100 रुपए देकर अपना अकाउंट खोलेगा, अपने चेक पर साइन कर सकता है। 100 करोड़ कमाने वाला भी ऑटोग्राफ नहीं दे सकता। फर्स्ट टाइम है ना, देख कर करोगे तो हाथ कांपेगा। आंख बंद करके कर दो। ये मेरा पहला ऑटोग्राफ है, इसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। थैंक यू। आप मुझे थैंक्स मत कहो बाबू, वो जो बुरके में लड़की है ना, उसने मंगवाया था। नहीं चाहिए क्या? हेलो हेलो, रुको, कहाँ भाग रही हो? वैसे अच्छा भाग लेती हो, मेरे साथ भागोगी? अरे सुनो, अरे रुको, हेलो, अरे बात तो सुनो। ए, ऑटोग्राफ नहीं चाहिए क्या? सुन लो, अपना ऑटोग्राफ दो और मेरा किया हुआ ऑटोग्राफ ले जाओ, ठीक है? ऑटोग्राफ एक्सचेंज कर लेते हैं। कहाँ छुपी हो? देखो ये तुम गलत कर रही हो। हेलो, अरे कहाँ हो? सामने तो आओ। ए, मेरा ऑटोग्राफ जैसे छीना है ना, वैसे ही तुम्हारा दिल एक दिन मैं छीनूंगा। क्या बात है? नहीं सर, वो ऑटोग्राफ। क्या प्यार हो गया? अरे नहीं सर, वो तो बस बात करने का मन किया तो उसके पीछे भागने लगा, और कुछ नहीं सर। प्यार हो जाए तो बता देना, मैं बात करूंगा, ठीक है ना? अरे सर।